हेलो एवरीवन, दिस इज द फोर्थ यूनिट ऑफ क्लास नाइन्थ आईसीएससी, दिस यूनिट एम इज एटमॉस्फेयर एंड दिस कंसिस्ट ऑफ दिस फोर चैप्टर्स अगेन दिस यूनिट इज बेस्ड ऑन द रिड्यूस्ड सिलेबस एज पर द आईसीएससी फॉर दिस ईयर ओनली सो इन दिस वीडियो वील बी कम्प्लीटिंग दिस पार्ट एंड इन दिस सेकेंड पार्ट विल भी कम्प्लीटिंग दिस टू चैप्टर्स सो दिस विल भी शॉर्ट वीडियोज इसमें दो दो चैप्टर्स करके हम करेंगे सो स्टार्टिंग वि कॉम्पोजिशन इन स्ट्रक्चर ऑफ दी अर्थ सॉरी एटमॉसफेयर वी ऑलरेडी नो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था दैट जो हमारा एटमोसफेयर है ये रैल्स होती हैं अर्थ की एटमॉसफेयर लेथॉस्फेयर एंड हाइड्रॉस्फेयर एटमोसफेयर जो आपका एयर वाला पार्ट है हाइड्रॉसफेयर पानी और लेथॉस्फेयर रॉकी पार्ट इन सबको कंबाइन करके बायोस्फेयर यानी कि जीवन बनता है राइट right? तो एटमॉसफेयर बेसिकली क्या है एटमोसफेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस और थिन लेयर दैट सराउंडस द अर्थ

भी ये जाके हमें फील होता है नॉट टेंस लाइक वाटर और लैंड बट इट हैज़ वेट द प्रेशर इट एग्जर्ट ऑन द सर्फेस इज कॉल्ड एटमोसफेयरिक प्रेशर तो जाहिर सी बात है जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा भारी नहीं होती है पानी की तरह या फिर लैंड की तरह पर इसके अंदर वेट तो होता ही है और उसी वेट को जब फील करते हैं जो आपके सरफेस पे जाता है तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है आप अगर किसी ग्राउंड में खड़े हों और बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं तो तब जो आपको प्रेशर फील होता है वो एक्चुअली प्रेशर विंड का जो प्रेशर होता है राइट ऐसे ही नॉर्मली अगर आप खड़े हुए हों तो वाटर और लैंड का तो अगर मोमेंट होता है तो वो चीज़ आपको पता चलती है लेटमॉसफियर प्रेशर आपको पता नहीं चलता क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा होता है बट एक प्रेशर एक्जर्ट होता है नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग सेवेंटी एट परसेंट है और ऑक्सीजन ट्वेंटी वन परसेंट है बाकी गैसेस वन परसेंट है केवल ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस द एटमॉस्फेयर इज डिवाइड इनटू टू पार्ट्स दैट इज हैट्रॉसफेयर एंड होमोसफेयर तो जो गैसेस की कॉम्बिनेशन के हिसाब से कॉम्पोजिशन के हिसाब से जो हमारा एटमोसफेयर है दो पार्ट में डिवाइडेड है हेट्रॉसफेयर एंड होमॉसफेयर हैट्रॉसफेयर ये वाला पार्ट है हमारा जो कि अपर लेयर है एटमॉसफेयर की और जो बिल्कुल नीचे का पार्ट है जो हमारे सरफेस से टच होता है उसे होमोसफेयर कहते हैं इन्हीं दोनों मेन के अंदर ही एटमोसफेयर की बहुत सारी लेयर्स आती हैं जैसे ट्रोपोस्फेयर स्ट्राटोसफेयर मेजोसफेयर थर्मोस्फेयर ये सब इसी के अंदर ही आती हैं बेसिकली ये जो आपको डिवीजन दे रखा है ये ब्रॉड डिवीजन है ये ब्रॉड डिवीजन है और ये वाला जो डिवीजन है ये एक थोड़ा सा छोटा करके इसको ही और ज़्यादा डिफाइन करके बताया गया डिवीजन है ओके okay. तो अलग अलग जगह पे अगर आप इन लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे हाइट्रॉस्फेयर और होमोस्फेयर के अंदर जो लेयर्स आती हैं जैसे कि थर्मोस्फेयर आयनोसफेयर तो काफी सारी बुक्स में और आपको अगर नेट पे देखते हैं तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं लेकिन बेसिकली थर्मोस्फेयर एक काफी बड़ी ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर कुछ लेयर्स आती हैं तो थर्मोस्फेयर बिगिन एट एट्टी किलोमीटर से बेसिकली स्टार्ट होती है जो कि दस हजार किलोमीटर हाइट तक जाती है यानी कि अगर ये आपकी अर्थ है तो ऊपर तक जो पूरा सर्कल आपका एटमोसफेयर का बन रहा है ये एट्टी किलोमीटर से वन था किलोमीटर तक जाती है यहाँ पर जो आपका एयर है ठीक ऐसे बट प्रैक्टिकली जो कंसिडर करा जाता है वो ये माना जाता है कि आठ चार सौ अस्सी किलोमीटर से लेयर स्टार्ट होती है विच इज़ नियरली वैक्यूम एंड कॉल्ड एग्जॉसफेयर और उसको वो जगह कैसी होती है वैक्यूम होती है और उसको एग्जॉसफेयर कहा जाता है एग्जॉसफेयर का मतलब क्या है मीन्स आउटर स्फेयर एंड इज नियरली वैक्यूम यानी कि जो पार्ट आउटर स्पेस कहलाता है आउटर स्फेयर कहलाता है और उसमें ज़्यादातर सब कुछ वैक्यूम होता है एग्जॉस्फेयर में जबकि गैसेज हैं वो लाइट गैसेज होती हैं जैसे हाइड्रोजन और हीम इन एडिशन टू द डिस्टिंगटिव लेयर गैस कम्पोजिशन दी एटमोसफेयर हैज़ अ थर्मल रीजन कॉल्ड थर्मोस्फेयर एंड विद इन इट देयर इज अ फंक्शन लेयर कॉल्ड आइनोसफेयर और इसके अलावा भी एक देखिए थर्मोस्फेयर वैसे बड़ी एक बड़ी कैसे कह कै सकते हैं उसे की लेयर है एक बड़ा स्फीयर है उसी के अंदर ही एक्चुअली एग्जोस्फेयर एनोसफेयर आता है ठीक है लेकिन अगर इसको पढ़ा भी जाता है और इनके बीच में एग्जॉस्फियर एनोसफियर के बारे में काफी और क्वेश्चन आ जाते हैं उनको डिफाइन करने के लिए आ जाता है तो हम उसको इसी तरीके से डिफाइन करते हैं कि एग्जॉसफेयर वाली है जो चार किलोमीटर से स्टार्ट हो रही है और थर्मोस्फेयर बेसिकली एक वो लेयर है जहा थर्मल रीजन गर्म रीजन है और उसको उस लेयर को एनोस्फेर कहते हैं इस तरीके को डिफाइन करा जाता है तो बेसिकली थर्मोस्फीयर के अंदर ही आएगा आपका एग्जॉस्फेयर एंड एनोस्फेर बट अगर अलग अलग डिफाइन करना हो तो आप इस तरीके से डिफाइन करेंगे ओके एनोस्फेयर फंक्शंस टू फिल्टर हार्मफुल वेवलेंथ ऑफ सोलर रेडिएशन और एनोस्फेयर का वर्क क्या होता है जो हार्मफुल रेज होती है वेवलेंथ सोलर रेडिएशन यानी कि सन से जो एनर्जी आ रही है जो हार्मफुल चीजें हैं उनको रोकना और कॉस्मिक एंड गामा रेज को रोकना जो कि नुकसानदायक होती है हमारे लिए इन शॉर्ट थर्मोस्फेयर जो है वो आइनोसफेयर प्लस एग्जॉस्फेयर इसके बराबर है तो इन शॉर्ट में आपको समझाने के लिए लिख देंगे थर्मोस्फेयर क्या है आइनोस्फेयर और एग्जॉस्फेयर का एडिशन है होमोसफेयर में होमोस्फेयर में वो लेयर्स हैं जो अर्थ की जो सरफेस है वहाँ से लेके 80 किलोमीटर तक की जो लेयर आती है वो हेमोसफेयर में आते हैं इट इज़ हाईली यूनिफॉर्म इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ इट्स कॉम्पिटेंट गैसेस और इसमें जो uh, जो आपकी एयर है वो लगभग लगभग एक सी रहती यूनिफॉर्म रहता है यहाँ पे जो भी प्रोपोजिशन uh, है आपके गैसेस का यानी गैसेस ज़ीरो से एट्टी किलोमीटर तो लगभग लगभग एक सी एक सा माहौल है ओनली एक्सेप्शन इज द कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूबल इन ओजोन इन दी ओज़ोन लेयर फ्रॉम 19 टू 50 किलोमीटर बस थोड़ा सा जो डिफ्रेंसेज है वो कहाँ पर है इस पर्टिकुलर एरिया में है जहाँ पर ओजोन लेयर है क्यों क्योंकि वहाँ पर ओजोन अवेलेबल है इसलिए 19 से 50 किलोमीटर तक के बीच में जो हमारा एटमोसफेयर है उसमें थोड़े चेंजेस हमें देखने के मिलते हैं एंड इन देरिएशन ऑफ द वाटर वेपर्स एंड पोल्यूटेंट्स इन द लोअर पोर्शन और जाहिर सी बात है चेंजेस और क्या हो सकते हैं वाटर वेपर्स यानी कि जो हमारी ड्रॉपलेट्स होती हैं वेपर्स जिनके थ्रू ड्रॉपलेट्स बनती है वो और पॉल्यूट्स जो होते हैं इनमें हमें चेंजेस मिल सकते हैं सीधी सीधी चीज़ है अगर आप अर्थ पर रहना है तो वहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है ऊपर जितना ज्यादा रहेंगे वहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है वहाँ पर वो पार्टिकल्स नहीं पहुँच सकते तो नीचे पॉल्यूशन मिलेगा और ऊपर पॉल्यूशन नहीं मिलेगा होमोस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन सेवेंटी एट परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड जीरो और आर्गन पॉइंट नाइन थ्री फोर परसेंट ये देखिए ये एक तरीके से हमारा ये रहा अर्थ इसकी जो पहली लेयर है हमारी ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर मेजोस्फेयर थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर तो ये वाली जो लेयर्स हैं आपकी थर्मोस्फेयर और एग्जोस्फेयर ये एक्चुअली एनोस्फेयर और एग्जोस्फेयर है ये पूरी मिला के थर्मोस्फेयर बनती है ट्रोपोस्फेयर क्या है ट्रोपोस्फेयर भी सबसे जो नीचे वाली लेयर जो आप देख रहे हैं ये वाली इसको ब्लू से मार्क करके दिखाते हैं ये जो लिखा हुआ है येलो से ये जो है लेयर ये ट्रोपोस्फेयर है जानी कि जो अर्थ में सबसे जीरो किलोमीटर से जो फैली हुई है द्रोपोस्फेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमोस्फेयर एंड सेट ऑल द वेदर ऑफ अर्थ और यही जो है वेदर क्रिएट करती है अर्थ का द ट्रोपोस्फियर इज बाउंडेड ऑन द टॉप ऑफ द लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द ट्रोपोपोज और जब ये ट्रोपोस्फेयर जहां पर खत्म होती है उस लेयर को ट्रोपोपोस कहते हैं जो कि ट्रोपोस्फेयर को सेपरेट करती है स्ट्रेटोस्फेयर से यानी कि जो हमारी नेक्स्ट लेयर है उससे हमें सेपरेट करती है तो जो मान लीजिए ये ये रही आपकी ट्रोपोस्फेयर ठीक है और आपका दूसरे कलर से ग्रीन से दिखाते हैं स्टेटोस्फेयर ठीक है तो ये जो ब्लू कलर से जो आपको लाइनिंग दिख रही है ये ये ट्रोपोपोज है जो ट्रोपोस्फेयर को अलग कर रही है किससे स्टेटोस्फेर से नॉर्मली एट किलोमीटर अल्टीट्यूड ऑन पोल्स एंड सिक्सटीन किलोमीटर ऑन इक्वाटर डायरेक्टली इफेक्ट लाइफ और ये एक ऐसी लेयर होती है जो आपके पोल्स पे तो लगभग एट किलोमीटर अल्टीट्यूड यानी हाइट के तक होती है और आपके इक्वाटर पर सिक्सटीन किलोमीटर हाइट तक और ये डायरेक्टली ही लाइफ को इफेक्ट करती है क्योंकि इसी के थ्रू ही सारे जो हमारे क्लाइमेट है वो सब जो चेंज होता है वो सब यहीं पर हो रहा है स्टेटोस्फेयर स्टेटोसफेयर हमारी सेकेंड लेयर आ गई स्टार्ट द ट्रोपोस्फीयर एंड एक्सटेंड्स टू फिफ्टी किलोमीटर यानी कि फिफ्टी किलोमीटर तक आपका जहाँ पर हमारी ट्रोपोस्फीयर तुप, ख़त्म हो रही थी वहाँ से फिफ्टी किलोमीटर तक जो है वो क्या है स्टेटोसफेयर विच एब्जॉर्ब्स एंड स्कैटर्स द सोलर वोलेट रेडिएशन इन द लेयर और ये क्या करती है इसी के अंदर ओजोन लेयर भी है और क्या करती है जितनी भी ऐसी रेडिएशंस हैं जो हमें नुकसान पहुंचाती हैं यानी कि सन से जो डायरेक्ट रेडिएशंस आ रही हैं एनर्जी जो आ रही है रेज वो हमारे लिए डायरेक्टली नुकसानदायक भी होती हैं तो उसको ये एब्जॉर्व करता है और दूर करता है द मेजोसफियर स्टार्ट अबब दटोस्फेयर एटेंट टू एट्टी फाइव किलोमीटर हाई Meteors बन इन दिस लेयर और इसके जस्ट ऊपर कौन सी लेयर है मेजोसफेयर है जिसमें लगभग लगभग पिछयासी किलोमीटर तक ऊपर तक हमारी मेजोसफेयर है उसमें क्या होता है मीटोरस वगैरह जो होते हैं मेटोरइड्स वगैरह वो इसी जगह से ट्रैवल करते हैं आइनासफेयर क्या चीज़ है आइनासफेयर ये दोनों थर्मोसफेयर का पार्ट है आइनासफेयर का पढ़ लेते हैं द दर्मॉसफेयर स्टार्ट जस्ट अबाउट द मेजोसफेयर एक्सटेंड्स टू सिक्स किलोमीटर और ये सिक्स किलोमीटर यानी कि एट्टी तक ये चल रही थी एट्टी के बाद सिक्स किलोमीटर तक आइनासफेयर है ये कौन सी जगह होती है जहाँ पर और सैटेलाइट्स ये सब चीज़ें होती हैं इसके अलावा एनॉस्फेयर इज दिन अबेंडेंट लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड एनोस्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल दैट स्ट्रेचेस फ्रॉम अबाउट फोर्टी एट किलोमीटर अब सरफेस ऑफ द एज ऑफ द स्पेस एट अबाउट नाइन सिक्स फाइव किलोमीटर ओवरलैपिंग इन टू द मैसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर दिस रीजन इज वॉट मेक्स रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल तो ये वाली लाइन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बस आप इतना समझ सकते हैं कि पिचासी किलोमीटर से लेके 600 किलोमीटर तक जो लेयर है वो एनासफेयर है और ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है बाकी ये वाली लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है एग्जॉस्फेयर दिस इज दी अपर लिमिट ऑफ द एटमोसफेयर यानी कि जो सबसे बाहर की लेयर है वो एग्जॉस्फेयर है ये हमारी एक्सटेंड करती है दस हज़ार किलोमीटर तक यानी आइनोसफियर की खत्म होने का छह सौ किलोमीटर के बाद दस हज़ार किलोमीटर तक कौन सी है एग्जोस्फेयर ओजोन लेयर ओजोन लेयर के बारे में आपने पहले भी सुना होगा ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में सुना होगा ओजोन लेयर हमने भी ऊपर पढ़ा भी कि स्ट्रेटोसफेयर में अवेलेबल है ओजोन लेयर और ओजोन शील्ड इज ए रीजन ऑफ अर्थ स्टेटोस्फियर दैट एब्जॉर्व मोस्ट ऑफ द सन्स अल्ट्रा वोलेट इट कंटेन अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ ओजोन इन रिलेशन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द एटमोसफियर ऑल्दो स्टिल स्मॉल इन रिलेशन टू द अदर गैसे इन दी एटमो स्ट्रेटोसफेयर यानी कि ओजोन लेयर क्या है ओजोन लेयर वो है जहाँ पर ओ थ्री यानी कि ओजोन अवेलेबल है और इस ये इसका मेन वर्क क्या है जितने भी अल्ट्रा वायल्ट रेडिएशन यानी सन से जो डायरेक्ट रेडिएशन आते हैं देखिए इस पिक्चर की तरह देखिए ये थ्रोपोस्फेयर रहा ये स्ट्रेटोसफेयर रहा ये हमारी ओजोन लेयर है तो ये डायरेक्ट रेडिएशन आते हैं ये उनको फिल्टर करती है उनको रोकती है डायरेक्टली अर्थ पे जाने के लिए फिर भी कंपैरेटिवली बाकी गैसेस के मुकाबले काफ़ी कम है लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है अर्थ के लिए इट इज फॉर्म्ड वेन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन ब्रोकन इंटू टू एटम्स बाई एल्ट्राइल रेडिएशन एंड द फ्री अनस्टेबल एटम्स कंबाइन विद द अदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग ट्राई एटोमिक ओजोन गैसेज यानी कि कह रहे कह रहे हैं यू वी रेस से जो ऑक्सीजन होती है वो टूटती है स्प्लिट होने के बाद ये अनस्टेबल एटम्स बन जाती है ऑक्सीजन के तो ऐसे ही तीन एटम बनके ऐसे ही तीन एटम बनके जो है ट्राई एटॉमिक ओजोन गैस बनाते हैं जिसे हम ओजोन के ओजोन कहते हैं और इसकी जो लेयर फॉर्मेशन होती है उसे ओजोन लेयर ओजोन डिप्लीशन ये बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक है हमेशा से आपने, अपने अपने पढ़ा होगा कोर्सेज में साइंटिस्ट डिस्कवर्ड इन द नाइनटीन सेवनटीज दैट ओजोन लेयर वॉज डिंग डिप्लीटेड तो नाइनटीन सेवेंटीज़ में साइंटिस्ट ने कहा भाई ओजोन लेयर जो हमारी हल्की हल्की डिप्लीट हो रही है मेनली ड्यू टू इंडस्ट्रियल और किसकी वजह से इंडस्ट्रियल कंजुमर अपलिकेशन की वजह से रेफ्रिजरेटर्स एयर कंडीशनर्स फायर एक्सटिंग क्योंकि इनमें जो गैसेज होती हैं वो हमारे ओजोन लेयर को हानि पहुँचाती हैं तो इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन फॉर ह्यूमंस एंड दिनमेंट तो ओजोन लेयर अगर डिप्लीट होती है तो अल्ट्रावल्ट रेडिएशन जो है वो अर्थ में बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए काफी ज्यादा खराब रहेगा निगेटिव इफेक्ट्स इसके और क्या है इट इंक्लूड्स इंक्रीज इन सर्ट टाइप ऑफ स्किन कैंसर इन स्किन कैंसर हो सकते हैं आई कॉन्ट्रैक्ट्स कैटरैक्ट्स हो सकते हैं यानी मोतियाबिंद इम्यूनिटी जो, हैं वो हैं, हैं। जो, है, तो जो, जो है वो हमारी कदम में हो सकती है उसमें डिफिशेंसी ऑर्डर आ सकते हैं यूवी रेडिएशन ऑल्सो अफेक्ट टेरेस्ट्रियल एंड एक्वटिक इकोसिस्टम यानी कि इंसान के अलावा बाकी भी जो लाइफ है हमारी अर्थ पर उसके ऊपर भी इफेक्ट करेगी उसकी ग्रोथ को फूड चेन को ये खराब करेगी तो इसी तरीके से जो हमारी बायोसाइकिल है वो हमारी खराब हो सकती है ये पूरी तरीके से अर्थ को डायरेक्टली इफेक्ट करता है यू वी रेज ऑल्सो इफेक्ट प्लांट ग्रोथ रिड्यूसिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो प्लांट ग्रोथ भी कम हो रही है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है फूड चेन में फर्क पड़ रहा है स्किन कैंसर हो रहे हैं आई कैटेराइड मोतियाबिंद ये सब चीज़ें हो रही हैं तो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे लिए अब इसको हम बचा कैसे सकते हैं बचा हम सकते हैं अवॉइड द कंजम्प्शन ऑफ द गैस इज डेंजरस टू ओजोन लेयर आपने नाम सुना होगा सी एफ सी क्लोरोफ्लोरोबन क्लोरो कार्बन टाइप की कुछ ऐसी गैसेज होती हैं जो हमारी एनवायरमेंटली बहुत ज़्यादा ख़राब हैं उनमें से क्लोरोफ्लोकार्बन एक बहुत कॉमन है जो कि आपकी ए सी रेफ्रिजरेटर्स इन सब चीज़ों से निकलती है तो ऐसी चीज़ों का हम अगर यूज़ मिनिमाइज़ कर लें तो हमारे ओजोन लेयर बच सकती है अगर हम कार का इस्तेमाल कम करेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा बाईसाइकिल या वॉकिंग का इस्तेमाल करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ का करें कार पुल का, का काम करें कार पूलूल यानी कि मेरी गाड़ी है मेरे साथ वहीं पर जाने वाले तीन चार लोग और हैं मैंने उनको अपनी गाड़ी में ठाल लिया तो इससे क्या हो रहा है पॉपुलेशन सॉरी पॉल्यूशन कम होगा और अगर पोल्यूशन कम होगा तो हमारा जो एटमोसफेयर है वो हेल्दी रहेगा तो ओजोन लेयर जो है बची रहेगी डू नॉट यूज़ क्लिनजिंग प्रोडक्ट दैट आर हार्मफुल टू दिनवायरमेंट एंड टू अस और कोई से भी ऐसे प्रोडक्ट जिनमें ऐसी टॉक्सिक चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट के लिए और हमें हार्मफुल हैं तो हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए जैसे विनेगर बाइकार्बोनेट ये सब चीज़ें हैं इन्हें हमें सॉरी विनेगर एंड बाइकार्बोनेट तो अच्छे प्रोडक्ट हैं क्योंकि नॉन टॉक्सिक होते हैं तो टॉक्सिक प्रोडक्ट जो हैं उनकी जगह पर हम विनेगर और बाइकार्बोनेट हम यूज़ कर सकते हैं तो ये एक उसके सब्सिट्यूट प्रोडक्ट हैं तो टॉक्सिक चीज़ों को छोड़ के ऐसे प्रोडक्ट तो यूज़ कर सकते हैं बाय लोकल प्रोडक्ट्स अब लोकल प्रोडक्ट्स से रिलेशन क्या है इस चीज़ का कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल कर कर आ रहे हैं उनको हम यूज़ ना करके फ्रेश प्रोडक्ट्स अपने ही आसपास से लें उससे क्या होता है देखिए जो फूड लॉन्ग ट्रैवल करके आता है उसमें से अलग अलग तरीके की जो होती हैं नाइट्रोनस ऑक्साइड जैसे है वो निकलती है तो जाहिर सी बात है जब वो इतना ट्रैवल करके कर आ रहा है उसमें से ऐसी गैसेज निकलनी वो हमारे लिए कम हेल्दी भी रहेगा तो हम अब फ्रेश प्रोडक्ट जो हमारे आसपास अवेलेबल हो वो चीज़ें अगर खाएं तो हमारे लिए हेल्थ के लिए बेटर होगा एटमॉस्फेयर के लिए बेटर होगा मेंटेन एयर कंडीशनर्स अब एयर कंडीशनर का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि वो सी एफ सी निकालिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो वो तो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है इंटरनेशनल मेजर्स टू सेव ओ थ्री अब ओज़ोन लेयर को इंटरनेशनल uh, मेजर्स कुछ लिए गए थे ओजोन लेयर को बचाने के लिए उसमें क्या हुआ था जून नाइनटीन नाइनटी में नाइन्टी सॉरी फिफ्टी थ्री नेशनस के रिप्रेजेंटेटिव थे वो उन्होंने एग्री करा था कि वो बैन करेंगे क्या चीज़ प्रोडक्शन एंड यूज़ ऑफ ओज़ोन डिस्ट्रॉइंग केमिकल्स कोई से भी ऐसी चीज़ को बनाना या फिर ओज़ोन को डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ों का यूज़ करना वो बंद कर देंगे सन 2000 तक यानी 10 साल में another स्टेप टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग cfc to save टू सेव of life ऑफ लाइफ सेविंग ओजोन लेअर तो क्या है इसके अलावा दूसरा स्टेप क्या हो सकता है कि हम अगर सी एफ सी के बारे में बहुत ज़्यादा बताएं लोगों को लोगों को समझ में आएगा क्या चीज़ यूज करनी क्या चीज़ नहीं तो उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा अब बता दिए ग्लोबल वार्मिंग की ग्लोबल वार्मिंग द ग्रेजुअल हीटिंग ऑफ अर्थ सर्फेस ओशन एंड एटमोसफेयर इस कॉज बाय द्यूमन एक्टिविटी प्राइमेरली दर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स दैट पम्प्स कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इंटू दी एटमोसफियर तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है ग्लोबल वार्मिंग एक, एक ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो ह्यूमन इस्तेमाल करते हैं अपने प्राइमरी सोर्सेज के लिए जैसे फोसल फ्यूल उनसे अलग अलग तरी गैसेज निकलती हैं और उससे जो हमारा जो गैसेज़ हैं ये हमारे एटमोसफियर में रहती हैं और जब हमारे सोलर रेडिएशन्स आती हैं तो गर्मी बढ़ती है इस इस वाले एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा तो बेसिकली जो हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है अगर इसे देखें आप तो ये हमारी रेडिएशंस आती हैं हमारी अर्थ पे अब जो अर्थ पे आती हैं उसमें से सिक्स परसेंट तो एटमॉस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती हैं यानी दूर चले जाती हैं बीस परसेंट जो है वो हमारे क्लाउड्स से रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाती हैं चार परसेंट जो है वो लगभग लगभग सरफेस से रिफ्लेक्ट करके वापस चले जाती हैं और जो हमारा फिफ्टी वन परसेंट है वो हमारा सरफेस एब्जॉर्ब करता है और नाइन्टीन परसेंट एब्जॉर्ब बाई एटमोसफियर्स एंड क्लाउड्स और इतनी परसेंट जो है हमारे क्लाउड्स और हमारा एटमोसफियर एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो हंड्रेड परसेंट रेडिएशन में से अभी हमारे पास कितना पहुँच रहा है फिफ्टी वन परसेंट बाकी फोर्टी नाइन परसेंट जा रहा है वापस तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर जितना ज़्यादा हमारे पास टेम्परेचर अगर नीचे आएगा तो उतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी और गर्मी बढ़ने की वजह से हमारी जो लाइफ है उस पर इफ़ेक्ट पड़ सकता है उसका तो ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है ग्लोबल वार्मिंग की जब हम इस तरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं अलग अलग चीज़ों का तो उसमें जो गैसेस निकलती हैं सी ओ टू मिथिन जैसी ये ग्रीन हाउस गैसेस कर कहलाती हैं और ये एटमॉस्फेयर को इफेक्ट डालती हैं कैसे इफेक्ट डालती हैं एटमॉस्फेयर को ये और गर्म करती हैं जो रेडिएशन हमारी वापस जा रही थी ये उसे रोक लेती हैं तो हमारा एटमॉस्फेयर और ज़्यादा गर्म हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ये आप ढंग से पढ़ सकते हैं एटमॉस्फेयर एंड ओशन यानी इससे क्या क्या होगा एटमॉस्फेयर जो है और ओशन जो है गर्म हो जाएंगे Uh, uh, और इसके अलावा राइजिंग सी लेवल सी लेवल बढ़ेगा अपना रेनफॉल पैटर्नस चेंज हो जाएंगे आपके एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स डेजर्ट जो हैं वो बढ़ने लगेंगे क्योंकि सूखा ज़्यादा पड़ने लगेगा मोर फ्लडिंग इन कोस्टल एरियाज कोस्टल एरिया यानी तटीय इलाके वहाँ पर फ्लडिंग बढ़ जाएगी पोलर आइस कैप्स यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है जैसे अंटार्कटिका आर्टिक ओशन जो है ये सब अंटार्कटिक सर्कल और आर्टिक सर्कल में जो एरियाज़ हैं वहाँ पर आइस जो है मेल्ट होने लगेगी ग्लेशियर्स मेल्ट होने लगेंगे जो आपने कई बार देखा भी होगा जहाँ पर पोलर बेयर्स वगैरह रहते हैं वहाँ पर ग्लेशियर बहुत बुरी तरह से मेल्ट हो रहे हैं बहुत तेज़ी से तो ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ही है मोर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और वेदरिंग इवेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए यानी गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगेगी ठंड बहुत ज़्यादा हो जाने पड़ेगी ओशन uh, जो हमारे एसिडिफिकेशन हो जाएंगे यानी ओशनस में भी हमारा पॉल्यूशन मिलने लगेगा जिसकी वजह से हमारी एक्वाटिक लाइफ है वो ख़राब हो सकती है हमारी प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ ख़राब हो सकती है फूड सिक्योरिटी थ्रेट फॉर ह्यूमंस और अगर ज़्यादा गर्मियों की तो तुम्हारी फसल ढंग से नहीं आई फसल ढंग से नहीं आई तो इंसान की जो फूड है वो उसकी शॉर्टेज हो सकती है तो ग्लोबल वार्मिंग का अगर आप बेसिक डेफिनेशन अगर देखें तो ग्रेजुअल इंक्रीज इन दी अर्थ टेम्परेचर कॉस्ड बाई हाई लेवल ऑफ ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस गैसेज इन दी एटमोसफेयर ये एक इसकी शॉर्ट डेफिनेशन वन मार्क क्वेश्चन में ये बहुत ईजीली आती भी है इसके अलावा अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है इंसोलेशन यही चैप्टर और हम कवर करेंगे इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं हमारी दूसरी वीडियो में हम कवर करेंगे तो आपको जो लास्ट वाला एक फोटो दिखाया था ये वाला देखिए ये एक्चुअली इंसुलेशन को ही लेकर है अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए कैसे कैसे अब्जॉर्ब हो रही है कैसे कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है उसी से रिलेटेड आपका इंसुलेशन है तो इसको इस पेज पे भी दे रखा है ये फोटो यहाँ पर भी दे रखा है तो इंसोलेशन है इंसोलेशन इज सोलर रेडिएशन रिसीव्ड इन दी अर्थ एटमोसफियर और एट इट्स सरफेस यानी सोलर से जो हमारी रेज आ रही हैं रेडिएशन आ रहे हैं एनर्जी आ रही है और जो अर्थ एटमोसफेयर और सर्फेस रिसीव करता है उसे इंसोलेशन कहते हैं लगभग लगभग इक्यावन बावन परसेंट जो है इंसोलेशन अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है बाकी सबका क्या हो जाता है बाकी सबका देखिए क्या हो जाता है देखिए इक्यावन बावन परसेंट पहुँचा बाकी सब ऐसे ऑब्जर्व हुआ ये रिफ्लेक्ट हुआ इतना रिफ्लेक्ट हुआ और इतना सर्फिस से, सर्फ से रिफ्लेक्ट हुआ ठीक अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग गिवन एरिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंसुलेशन क्या है किसी पर्टिकुलर एरिया पे कितना ज्यादा सोलर रेडिएशन पहुंच रहा है उसे इंसुलेशन कहा जाएगा इन सिंपल टर्म इट इज द इनकमिंग सोलर रेडिएशन इंसुलेशन वेरी डिपेंडिंग ऑन ये बदलता है किसके बेसिस पे टाइम ऑफ द ईयर सोलर डिक्लेनेशन अर्थ सन डिस्टेंस लैटिट्यूड टाइम ऑफ डे एटमोसफियर कंडीशन पॉल्यूशन डिफ्यूज स्काईलाइट इन सब चीज़ों के बेसिस पर हमारा इंसुलेशन बदलता है चेंज होता है सन एवरेज साइज स्टार एक हमारा जो सन है वो हमारा एक एवरेज साइज का स्टार है और उसका जो सरफेस है लगभग लगभग छः हज़ार डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर का है इससे एनर्जी निकलती है किसकी फॉर्म में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में निकलती है लॉन्गर वेव्स को इंफ्रारेड वेव्स यानी कि ये लार्जली अब्जॉर्व कर लिए जाते हैं किसके द्वारा एटमॉस्फेयर के द्वारा बट जो शॉर्टर वेव्स होती हैं यानी कि अल्ट्रा वायल्ट रेवस वो हमारे अर्थ तक पहुंच जाती हैं ठीक है देखिए शॉर्टर वेव और लॉन्गर वेव के बीच में एक ये ब्रैकेट में दे रखा है एक डिफरेंस है जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा तो यहाँ पर क्योंकि बात करी गई है लॉन्गर वेव्स और शॉर्टर वेव्स की तो ये मतलब क्या है इसका ये आपको समझ में आ जाएगा शॉटर वेव लेंथ जो हमारी लाइट होती है वो उसे गोस फास्टर दैन द लॉन्गर वेव लेंथ यानी कि जो हमारी शॉटर वेव है उसकी स्पीड किससे ज्यादा थी जो लॉन्गर वेव लेंथ वाली जो लाइट है उससे ज़्यादा ठीक है इसको वायलेट कलर से रिप्रजेंट कर रहा था इसको रेड कलर से इट शुड बी नोटेड दैटर्स मीडियम डिफरेंट वेव लेंथ ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड द रिलेटिव स्पीड ऑफ लॉन्गर एंड शॉर्टर विल डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम साथ ही साथ जो फास्ट और हल्के होने के अलावा भी ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि मीडियम क्या है किस मीडियम से लाइट गुजर रही है उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो और तेज़ या फिर हल्के हो सकती है तो सोलर एनर्जी ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ सोलर एनर्जी हमारी कितनी स्पीड से ट्रैवल करती है तीस हज़ार किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से और आठ मिनट लग जाते हैं अर्थ पर आने में लाइट को और प्लानट जो हमारा प्लानिट है ना ही वो बहुत ज़्यादा पास है सन के और ना ही बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दूर है इसी वजह से आइडल है लाइफ के क्योंकि अगर ज़्यादा पास होता तो ज़्यादा गर्मी हो जाती और अगर ज़्यादा दूर होता तो क्या हो जाता ज़्यादा ठंड तो दोनों ही वजह से लाइफ पॉसिबल ढंग से नहीं हो पाती हीटिंग ऑफ द एटमोसफियर रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ इज़ कॉल्ड द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन रेडिएशन हीट लाइट और एनर्जी दैट इज़ सेंट आउट फ्रॉम समथिंग द थ्री मोन प्रोसेस बाई विच अर्थ एटमोस्फेयर इज हीटेड देखिए रेडिएशन को समझने के लिए और रेडिएशन का कन्वेक्शन कंडक्शन क्या है ये देखने के लिए ये देखिए देखिए यहाँ से जो हीट ट्रैवल हो रही है इस पर्टिकुलर डे से यहाँ हीट ट्रैवल हो रही है इसे रेडिएशन कहते हैं यानी जो गर्मी एक चीज़ से निकल रही दूसरी जगह पहुँच रही है उसे रेडिएशन कहते हैं कन्वेक्शन क्या कहते हैं द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू अ फ्लूड कॉज बाई मोलिक्यू मोशन यानी कि अगर आप एक फ्राई पैन लें उसमें अगर पानी आप रखें उसके नीचे से हीट करें तो जाहिर सी बात है वो जो है उसका जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज होने लगे वो लिक्विड जो होगा किस चीज़ में जाने लगेगा गैस में चेंज होने लगेगा तो इसे कहते हैं कन्वेक्शन कंडक्शन कैसे कहते हैं देखिए इस पार्ट में हमारा बॉयल हो रहा है वाटर और इसको हमने हैंडल को हमने पकड़ रखा है तो जो हीट है वो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसफ़र हो रही है तो इसे कंडक्शन कहा जाता है फैक्टर्स अफेक्टिंग टेम्परेचर अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर जो टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं पहली चीज़ है लेटीट्यूड यानी कि जो देखिए ये अगर हमारा सन है तो यहाँ पर जो है जीरो डिग्री लैटीट्यूड है और जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहेंगे वैसे वैसे लेटीट्यूड जो है वो बढ़ता चला जाएगा तो सीधी सीधी चीज़ है अगर आप किसी पे डायरेक्ट रोशनी अगर डालें यानी सन की डायरेक्ट रोशनी अगर किसी पर आ रही है तो वो कम एरिए पड़ेगी लेकिन अगर आप तिरछी रोशनी डालते हैं तिरछी रोशनी अगर जा मान लीजिए ये आपका सन है इससे जा रही है डायरेक्ट सन रेज और यहाँ पर थोड़ी तिरछी लाइट जा रही है तो ये ज्यादा एरिया पे फैलता है तो ज्यादा एरिया पर फैलता है तो लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर उतना ज़्यादा हाई नहीं रहता एज कम्पेयर टू हेयर यहाँ पे टेम्परेचर हाई रहता है क्योंकि यहाँ पर सनलाइट डायरेक्ट है ठीक है तो यहाँ पे पोर्शन ज्यादा है लेकिन यहाँ पर पोर्शन कम कवर हो रहा है इसके अलावा एल्टीट्यूड ये पहले भी हमने कई बार पढ़ा है कि एक डिग्री टेम्परेचर जो है कम होता है अगर हम एक मीटर जो है ऊपर जाते हैं तो इसी चीज़ को नॉर्मल लेफ्ट रेट भी कहा जाता है इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप प्लेन एरिया में रह रहे हैं अभी और यहाँ पर जो टेम्परेचर है बीस डिग्री सेल्सियस है तो जैसे जैसे आप हिल एरिया में जाते रहेंगे और जितनी वो ऊँची होती जाएगी उतना ही टेम्परेचर जो है बीस से पच्चीस छब्बीस मीटर आता रहे डिग्री सेल्सियस आता रहेगा इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज अब सी ब्रीज और लैंड ब्रीज दो चीज़ें होती हैं ठीक है सी ब्रीज लैंड ब्रीज किस तरीके से होता है जहाँ पर भी प्रेशर हमारा जहाँ पर भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर प्रेशर हमारा लो क्रिएट होता है यानी टेम्परेचर और प्रेशर में इन्वर्सली रिलेशन है टेम्परेचर ऊपर तो प्रेशर नीचे ठीक है तो अगर हम रात की बात करें तो टेम्परेचर कम होता है इसलिए प्रेशर जो होता है वो हाई रहता है इस जगह पे लैंड पर और इसी के सामने अगर समुद्र है सी है तो वहाँ पर कंपैरेटिवली लो प्रेशर रहता है तो आप जानते हैं जो चीज़ें ट्रैवल करती हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ट्रैवल करती हैं तो यहाँ से जो हवाएं जाएंगी हमारे लैंड की तरफ से इस तरफ उसे हम कहते हैं ब्रीज और कौन सी ब्रीज लैंड ब्रीज यानी कि यहाँ से जो हवाएं जा रही हैं दैट इज़ लैंड ब्रीज ऐसे ही यहाँ पर उल्टा हो जाता है अगर गर्मी है और गर्मी के टाइम में यहाँ पर प्रेशर जो है वो लो क्रिएट होगा क्यों यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा दिन में इसलिए लो प्रेशर क्रिएट होगा हमारे लैंड पर और हाई प्रेशर कंपेरेटिवली यहाँ रहेगा तो ट्रैवलिंग जो होगी विंड की वो इस तरफ हो जाएगी हवा इस तरफ जाने लगेंगी ठीक इसी वजह से जब इस तरफ जाएँगी हमारी हवाएं तो ये सीज के थ्रू जा रही हैं लैंड पे तो इसे ब्रीज कहते हैं और जो हमारे फैक्टर हैं टेम्परेचर को इफेक्ट करने वाले हमारे ओशन करंट है हमने इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने ओशन करंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है कि करंट जो होते हैं वो गर्म भी होते हैं ठंडे भी होते हैं तो जब करंट मूव करते हैं जैसे ये करंट है ये जो है हमारा कोडशो करंट है जापान के पास ये जो है कैसा है वार्म करंट है तो जब ये करंट बहेगा तो अपने साथ की गर्मी भी साथ में लेकर बहेगा तो जिस जगह पर भी जाएगा ये उस जगह को गर्म कर देगा तो ओशन करंट भी बहुत बड़े रीज़न है जिससे कि ट्रैवल होता है टेम्परेचर को नॉर्मल करा जा सकता है यानी कि हाई जगह पर अगर देखिए यहाँ पर अगर कौन सा टेम्परेचर है सॉरी करंट है यहाँ पर आपका कोल्ड करंट है तो ये जिस तरफ जाएगा वहाँ पर टेम्परेचर कोल्ड होगा और तो करंट आल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफरिंग द टेम्परेचर एंड द हीट इसके अलावा आ गया विंड विंड्स का विंड्स ऑन शोर ब्लोज सी टू लैंड ऑफ शोर ब्लोज लैंड टू सी तो जो आपके सी से लैंड की तरफ़ जाते हैं उसे विंड्स को ऑनशोर कहते हैं और जो लैंड से सी की तरफ़ जाते हैं उसे ऑफ इसी तरीके की विंड्स जो होती हैं जैसे ट्रैवल करती हैं जैसे आपने नाम सुना होगा लू जो गर्मी में चलती है तो वो भी अपने साथ साथ गर्माहट लेके या फिर ठंडक लेके ट्रैवल करती हैं जैसे गर्मियों में आपने लू सुना होगा लू का मतलब क्या होता है गर्म हवाएं तो उससे भी पर्टिकुलर एडियो में ज़्यादा ठंड या फिर गर्म गर्मी पड़ सकती है स्लोप ऑफ लैंड स्लोप ऑफ लैंड के हिसाब से थ्री वेज हैं इसमें तो इन थ्री वेज में हमारा पहला दे रखा है माउंटेन जो प्रेजेंस ऑफ माउंटेन है वो एक बैरियर की तरह वर्क करते हैं फॉर एग्जाम्पल हिमालय रेस्ट्रिक्ट मानसून विंड्स टू एंटर चाइना यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए इंडिया है इंडिया कुछ इस तरीके से देखिए ड्रॉइंग तो बहुत खराब है लेकिन फिर भी तो जैसे लो प्रेशर का आपको पता है इंडिया में भी इस जगह पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है जो नॉर्दर्न एरिया तो यहाँ से जो विंड्स है वो इंडिया में ट्रैवल करती हैं तो जब ये ट्रैवल करती हैं तो यहाँ पर जो हमारे हिमालयाज़ हैं तो हमारी ट्रैवल आगे यहाँ तक करती हैं और यहाँ पर इनके साथ जो मॉइस्चर आता है इनको यहीं पर ही प्रेसिपट्रेट यानी कि रेनफॉल करना पड़ता है और ये आगे नहीं उठ पाती क्यों क्योंकि एक बैरियर हिमालय वर्क्स एज अ बैरियर कि अगर ये बैरियर नहीं होता तो विंड्स हमारी जो है वो आगे फ्लो कर जाती हैं यानी आगे चली जाती हैं लेकिन हमारा बैरियर होने की वजह से विंड आगे नहीं जा पाती हैं ठीक है चीके? तो अगर बैरियर बन के वर्क हमारा हो रहा होता है बीच में तो हमारी जो टेम्परेचर जो ट्रांसफर होता वो उस पर रेस्ट्रिक्शन लग जाती है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्टीप स्लो से एक्सपीरियंस मोर चेंजेस इन टेम्परेचर देखिए इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर के बारे में आप खुद समझिए इस चीज़ को देखिए जो लैप्स रेट के बारे में आपने पढ़ा था कि 165 मीटर जैसी आप ऊपर जाते हैं तो एक डिग्री टेम्परेचर जो है वो आपका गिर जाता है ठीक है तो अगर जो आपकी हिल है हिल बिल्कुल सीधी होगी तो इसकी जो टेम्परेचर है इसका जो हाइट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही होगी यानी 165 मीटर यहाँ पर थी फिर एकदम से हुई तीन सौ मीटर फिर 500 मीटर तो बहुत ज़्यादा स्लोप बिल्कुल इसका सीधा है यानी स्टीप स्लोप है इस वजह से जहाँ पर भी स्टीप स्लोप वाली आपको जगहें मिलेंगी माउंटेंस मिलेंगी वहाँ पर टेम्परेचर है बहुत तेज़ी से गिरेगा गया यानी लैपसेट यहाँ पर बहुत तेज़ी से होगा और वहीं पर ही अगर जो हॉरिजेंटल स्लोप वाली यानी कि अगर ये इस तरीके से होता लैंड तो क्या होता तो यहाँ पे ऊंचाई बढ़ती नहीं इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ती हो सकता है यहाँ पर वन मीटर है वन सिक्सटी फाइव मीटर पहले पॉइंट पे फिर दूसरे पॉइंट पे मुश्किल से दो सौ मीटर ही हो ऊंचाई सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे तीन सौ मीटर ही हो तो ये चीज़ें डिपेंड करती हैं की स्लोप कैसा है उस हिसाब से भी जो हमारा ट्रांसफ़र होता है हीट का वो भी इसी ऊपर डिपेंड करता है अब आ गया डायरेक्शन ऑफ द स्लोप ऑफ लैंड तो देखिए अगर हम बात करें तो नदन हेमस्फेयर में नदन हेमोसफेयर में जो सन की रेस पड़ती हैं वो साउथ से फेसिंग स्लोप पर पड़ती हैं ऐसे ही सदर हेमस्फेयर में जो पे पड़ती हैं वो आपके नॉर्थ फेसिंग जो स्लोप होता है आपके हिल का उस पर पड़ती हैं ठीक है क्योंकि अर्थ की प्रॉपर्टीज के रोटेशन रेवोल्यूशन कोरोल इफेक्ट इन सब चीज़ों के सॉरी कोरियोलिस इफेक्ट तो उसमें नहीं आएगा लेकिन आपके रोटेशन रेवोल्यूशन की वजह से नॉर्थ नर्दर्न हेमस्फेयर और सदर्न हेमिसफेयर में इस तरीके से रेस पड़ती हैं तो अगर यहाँ हमारी जहाँ पर रेस पड़ रही है इस जगह पर तो यहाँ पर तो टेम्परेचर साइड सी बात है वो ऊपर रहेगा लेकिन जो ये वाली जगह आ जाती हैं वहाँ पर जो है टेम्परेचर जो है वो आपका चला जाएगा डाउन तो इन वाले एरियाज़ में ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा इन वाले एरियाज़ में कम टेम्परेचर मिलेगा तो ये भी एक चीज़ है जिसके बेसिस पर आपका जो टेम्परेचर है वो इफ़ेक्ट करता है तो यहाँ पर हम ये वाली वीडियो कंप्लीट करते हैं ख़त्म करते हैं अब जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें जो बाकी के चैप्टर रह गए एटमोस्फेरिक प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी इन दोनों चैप्टर्स की बात होगी वो भी आधे पौन घंटे की वीडियो होगी तो इस तरीके से आपकी चार यूनिट्स कंप्लीट होती हैं ओके थैंक यू